अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू राजा वकास्ट यूट्यूब चैनल। ये जो मैं प्लांट आपको दिखा रहा हूँ, ये कहलाता है पी फ्लावर। ये देखने में भी मटर की तरह का नज़र आता है और इसकी बेल बिल्कुल मटर की तरह बनती है। बस इस पर मटर नहीं लगते, या बल्कि यूँ कहना चाहिए मटर लगते हैं जो कि आखिर में बीज की शक्ल में होते हैं, लेकिन उससे पहले इस पर फ्लावर्स लगते हैं जो कि तितली की तरह होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी ये प्लांट जो है, जो मेरे सामने इस वक्त तकरीबन 3 फीट का है या इससे ज़्यादा होगा, और अब इसमें फ्लावरिंग लगने का जो अमल है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मेरे पास ये काफ़ी प्लांट है, ये देखिए, ये इसमें अगर आप गौर करें तो ये इसकी कलियां बन रही हैं और इन पे अब जो है ये इस पे फ्लावरिंग होगी कुछ ही दिनों तक, लाइक मे बी 2-3 डेज। तो एक दफ़ा जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो मैं फिर भी इसकी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा ताकि आप देख सकें। तो ये पी फ्लावर, जब ये फूल ख़त्म होते हैं, जब ये पौधा, इस पौधे की जो उम्र होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 माह होती है, डिपेंड कि किस जगह पे लगा हुआ है। अगर वहाँ पे धूप कम पड़ रही है तो फिर ये 3-4 माह भी चल जाता है, अगर धूप ज़्यादा होगी तो जल्दी ये ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन इसकी जो 2-3 महीने फ्लावरिंग रहती है वो बहुत ही खूबसूरत रहती है। तो अगर आप गौर करें तो मैंने इसको इस रवात में लॉन में काफ़ी ज़्यादा लगाया, और इसको लगाने के बाद आपको इस तरह से डोरी बांध के उसको सहारा देना पड़ता है ताकि ये नीचे ना गिरे, और इस तरह से ये ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। ये देखें, आपको हर तरफ ये डोरियाँ नज़र आ रही होंगी। यहाँ के प्लांट कुछ इतने हेल्दी नहीं, लेकिन हमने थ्रू आउट इसको जो है यहाँ पे ये लगाया हुआ है, और कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और लेकिन ये सब के सब जो हैं वो लेटर ऑन जो है बड़े होके तो ये फ्लावर ज़रूर देंगे। ये भी आप देख सकते हैं। तो ये था पी फ्लावर।